दरमियाने। मुख्तसर अफसाना सलीम आरसा। उसने छोटी हवेली की डोरी की जंजीर खड़खड़ाई। कुछ जरा ठहर कर फिर खड़खड़ाई, अब की जरा जोर से। अरे भाई कोई है? जी आई। अंदर कहीं किसी बर्तन के गिरने की आवाज आई। आई। अरे तो दरवाजा खोलो भाई, बाहर धूप में खड़े हम सिक रहे हैं। दरवाजा खुला, एक लड़की हाथ पोछती हुई सर पे दुपट्टा दुरुस्त करती हुई सामने खड़ी थी। कौन हो तुम? जी हम नईमुन। आदाब छोटे सरकार। हाँ, घर के सारे लोग? बड़े सरकार, अम्मी, अंतु। जी वो तो नौचंदी में गए। नौचंदी में? कमाल, उन्हें पता था कि हम आने वाले हैं। लड़की ने बढ़कर उसके टैची उसके हाथ से ले ली। जी वो तो यूं कह रहे थे कि आप कल आएंगे। तो भले एक दिन पहले आए, सारा घर भाई भाई कर रहा है। छोटे सरकार आपका कमरा तैयार है, आप आराम कर लीजिए। तुझे पहले तो देखा नहीं कभी। उसने मुड़कर एक उछटती से नजर उससे लड़की पे डाली। तूने मुझे पहचान कैसे लिया? जी वो बेगम साहब ने आपका नक्शा बताया था, गोरे हैं लंबे हैं, तो हमने तो आपको देखते ही। अच्छा अच्छा, चल घर में जान जा रही है, पानी लेकर आ ठंडा। जी अभी लाई। नईमन ने पर्दे खींचकर उस कमरे को कुछ अंधेरा सा कर दिया और पंखा चला दिया। ये कुछ खाएंगे आप? आलू गोश पकाया है, मिर्च बहुत है। बेगम साहब कहती कि आप ज्यादा मिर्च नहीं खाते हैं, मगर बहुत। क्यों दिमाग चाट रही है? हाँ? जा पानी लेकर आ। नहीं चाहिए तेरा आलू गोश। जी अभी लाए। वो पलटी और जाने लगी। ये शाम को कीमे के पराठे बना देंगे बगैर मिर्च के। अजी मुसीबत है। उसने शर्ट उतारते हुए कहा। अभी वो ट्राउजर्स की बेल्ट ढीली कर ही रहा था कि नेहमन उछलती हुई फिर आन पहुंची। छोटे सरकार, छोटे सरकार, आपके लिए बेल का शरबत लेकर आए हैं। और ग्लास आगे बढ़ा दिया। अजीब पागल लड़की है। उसने फिर से अपनी बेल्ट टाइट कर ली। लाओ शरबत का ग्लास लिए नेमन गरीब भाई। ठंडा यख, बेल में ढेरों कुचली हुई बर्फ, नमी की बूंदे टपक रही थी। उसने जब ग्लास पकड़ा तो नईमुन की छुंगलियां भी दब गई। अल्लाह, नईमुन ने हौले से अपनी उंगली छुड़ा ली। वो पलंग पे बैठ गया। एक घूंट, दो घूंट, तीन घूंट। धूप से तपते जिस्म में जैसे राहत सी आ रही थी। उसने आंख उठाकर नईमुन की तरफ देखा। दरमियाने से लड़की, न गोरी न काली, न दुबली न मोटी, न खूबसूरत न बदसूरत, मगर उसने खाली ग्लास वापस बढ़ा दिया। छुंगलियां फिर छू गई। अच्छा चलो अब मुझे सोने दो, उसने पलंग पर लेटते हुए कहा। जी छोटे सरकार।
और नयून किसी छिपकली की तरह सट से वहां से गायब हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी बांह अपनी आंखों पर रख लिया। नींद आ भी रही थी और नहीं भी, गर्मी लग भी रही थी और नहीं भी, बिल्कुल नैमून की तरह, न खूबसूरत न बदसूरत, बस दरमियानी। छोटे सरकार, सो गए आप? नहीं मुन्ना, सिराने खड़ी, आपके लिए पीला के फूल लेकर आए, अब गर्मी बहुत ठंडक देती है इनकी महक। उसने अपनी अगमुदी आंखें खोली। नैमुन ने अपने दुपट्टे के पल्लू में बंधे फूल आगे बढ़ा दिए। न जाने वो फूल उसके हाथों में कब आए, न जाने उसने बेल का शरबत कब पिया, न जाने नैमून की छुंगलियां कब उसके हाथों में उलझे। ओह माय गॉड, वो बिस्तर से बिल्कुल उछल कर खड़ा हो गया। नैमून, आई एम रियली वेरी सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, आई रियली डोंट। देखो तुम जाओ यहां से, इससे पहले कोई यहां पे आ जाए तुम जाओ यहां से। नैमून उठी, उसने अपने सर पे दुपट्टा दुरुस्त किया और गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, जी छोटे सरकार, आप सोइए ना, और ग्लास उठाकर वहां से जाने लगे। अब नैमून सुनो, देखो आम रियली वेरी सॉरी, देखो घर में किसी से ये बात मत कहना, वरना अम्मी जान। नैमून दरवाजे पर पहुंच चुकी थी, रुकी, पलटी, एक बहुत ही मासूम सी मुस्कुराहट उसके होठों पर थी। जो ना खूबसूरत थी ना बदसूरत, बस दरमियानी। कैसी बातें करते हैं आप छोटे सरकार, करीब 6 महीने हो गए हमें यहां पर आए हुए,
आपके अब्बा जान ने तो न जाने कितनी बार किया है, हमने तो आज तक कभी किसी से कुछ भी नहीं कहा।